Hello students, today we will see the unit six of TOC, Undecidability and Intactable Problems, where I am going to cover mainly the part of P, and P NP, NP HAD and NP complete. But before going with these classes, you should know the some basics which is required to understand that topic. So very first is like what are the different two types of problems.

तो उसको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है सॉल्व करने के लिए वो पॉलिनॉमियल होता है जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो सर्चिंग लाइक लिनियर सर्च बाइनरी सर्च या फिर सॉर्टिंग का अलगोरिथम या स्ट्रिंग एडिटिंग अलगोरिथम जिसको जो टाइम है वो लगता है लाइक लॉग एन एन लॉग एन या एन या एम एन या एन स्क्वा ऐसे अलगोरिथम को हम बोलते हैं पोलिनोम टाइम अलगोरिथम नाउ नेक्स्ट इज नॉन पोलिनियल तो प्रॉब्लम फॉर विच नो पोलिनियल टाइम अलगोरिथम इज नोन ऐसे प्रॉब्लम जिसको सॉल्व हम कोई भी अलगोरिथम से करें लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए जो टाइम लगता है वो नॉन है तो एग्जांपल हो गया टीएसपी टीएस टूरेज टू एन या टूरेज टू एन बाई टू या एन फैक्टोरियल ऐसे ऐसे फॉर्म में आती है सो दिस इज वट इज मीन बाय पोलिनोमियल एंड नॉन पॉलिनोम अगेन दो और चीजें है इसके अंदर की कुछ प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं टैक्टेबल प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं इन प्रॉब्लम ये भी बा, काफी बार पूछते हैं छोटे छोटे एग्जाम uh, में छोटे क्वेश्चन एग्जैक्टली टैक्टेबल प्रॉब्लम यानी क्या होता है सो इट इज अ प्रॉब्लम दैट इज solvable बाय अ polynomial टाइम algorithm। यानी ऐसे प्रॉब्लम्स जिसको हम क्या कर रहे हैं पोलिनोम टाइम अलगोरिथम से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है टेक्टेबल प्रॉब्लम बोला जाता है और जिसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मतलब बिग तो सेम जो मैंने पहले बताया, वही सेम हो गए हमारे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग सो अगेन वॉट इज इन टेक्टेबल प्रॉब्लम सो द प्रॉब्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व इन पोलिनोम टाइम जिसको हमने पहले स्लाइड में नॉन पोलिनोम अलगोरिथम या नॉन पोलिनोम प्रॉब्लम्स बोला था उनको ही क्या बोला जाता है इंटेक्टेबल प्रॉब्लम तो ऐसे प्रॉब्लम जिनको सॉल्व करने के लिए कोई भी पॉलिनोम टाइम अलगोरिथम अवेलेबल नहीं है और जिसका लोअर बाउंड मतलब मिनिमम टाइम जो लगता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ही एक्सपोनेंशियल है लाइक जैसे से ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हो गया या टॉवर ऑफ हनोई प्रॉब्लम हो गया सो दीज आर द एग्जांपल्स सो so पे कुछ एग्जाम्पल दिए इनटेक्टेबल की तो फर्स्ट पार्ट ये क्या हो गया Polynomial, मतलब और क्या हो गया? ये जिसका है. तो कोई भी अलगोरिथम जिसका टाइम जो है ये लॉगरिथमिकॉर्म में आ रहा है उसको हम बोलते हैं लीनियर सॉरी उसको हम बोलते हैं टेक्टेबल प्रॉब्लम्स

तब एग्जैक्टली डिटर्मिनेस्टिक अल्गोरिथम हम किसको बोलते हैं तो डिटर्मिनेस्टिक अल्गोरिथम मतलब कि रिजल्ट फॉर एवरी ऑपरेशन इज यूनिकली डिफाइंड जिसमें कोई भी ऑपरेशन अगर आप कम कर रहे हो तो उस ऑपरेशन का आउटपुट क्या रहता है ये यूनिकली डिफाइंड होता है एंड फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट कंप्यूटर विल गिव ऑलवेज सेम आउटपुट

इट कैन बी सोल्व इन अल टाइम से जो भी आप सोल्व करते हो वो पॉलिमल टाइम में सोल्व होता है कि ये स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है ये फिक्स होता है डिटर्मिनटिक में नाउ नेक्स्ट इज नॉन डिटर्मिनटिक अलगोरिथम सो इसमें फॉर सेम इनपुट कंपाइलर में प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट इन डिफरेंट न जैसे यहाँ पे हमको बताता था कि सेम इनपुट के लिए हमेशा आउटपुट क्या आने वाला है ये सेम आने वाला है बट यहाँ पे क्या बोला है कि सेम इनपुट के लिए हर टाइम कंपाइलर आपको डिफरेंट आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकता है सो दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन डिटर्मिनेस्टिक एल्गोरिथम एंड इट कैन नॉट बी सॉल्व इन अ पॉलिमिकल टाइम एंड यू कैन नॉट डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन ड्यू टू मोर देन वन पाथ द एल्गोरिथम कैन टेक जैसे अगर इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि x प्लस वाईक्वल टू ट्वेंटी आपको फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू तो x और y की वैल्यू बहुत हो सकती है जिसका आंसर या जिसका समेशन ट्वेंटी प्लस वन नाइनटीन प्लस टू एटीन प्लस थ्री लाइक सो देर आर लॉट मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ x एंड y विच कैन गिव यू द एडिशन एज दी वन तो जिसमें जो है आउटपुट ये हर बार हमको अलग मिल सकता है आपके टीओसी के ही डायग्राम के फॉर्म में अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं हम क्योंकि तो वन के बाद अगर जीरो दिया है तो मुझे पता है कि वो Q1 के पास ही जाने वाला है और अगर हमने एज इनपुट दिया तो हमको पता है ये कहां पे जाने वाला है क्यू के पास ही जाने वाला है तो फिक्स्ड है इफ इट इज जीरो गो टू क्यू इफ इट इज वन गो टू क्यू इसके लिए हम इसको बोलते हैं डिटर्मिनटिकल एल्गोरिथम है। लेकिन वही यहाँ पे अगर क्यू जीरो दिया है और जीरो के लिए दो आउटपुट प्रोड्यूस किए है

और वन या फिर यस yes या नो no आता है जैसे अगर हम मैंने पूछा कि एग्जाम में आप पास होने वाले क्यों कैन बी आइदर यस और नो तो जिसका आंसर यस नो और जीरो या वन के फॉर्म में आता है उसको बोलते हैं हम डिसीजन प्रॉब्लम और दूसरा होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऐसा प्रॉब्लम जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है और उसमें से आपको बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बेस्ट कैन बी आइदर मैक्सिमम और मिनिमम जैसे अगर मैंने शॉर्टेस्ट पाथ बोला तो इसमें हम क्या ले रहे हैं

उट करना लेकिन ऑप्टिशन में क्या है सोल्यूशन एंड फाइंड आउट तो इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है ये डिटर्मिनेस्टिकॉब्लम से कम्पेरिजन में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं सोल्व करने के लिए तो ये सब हो गए बेसिक्स जो आपको पता होने चाहिए बिफोर गोइंग टू पी एंड एनपी कम्प्लीट जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी अब एग्जैक्टली पी यानी क्या होता है तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है सपोज बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको हमने बोल दिया एनपी और उसमें से काफी थोड़े प्रॉब्लम है जिसको हम क्या बोलते हैं पी सो पी इज अ सबसेट ऑफ एनपी एंड एनपी सुपर सेट ऑफ पी ऐसे भी बोला जाता है अब एग्जैक्टली पी और एनपी क्या है सो पी मतलब प्रॉब्लम जिसको हम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं बट यूजिंग एल्गोरिथम तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि ऐसे प्रॉब्लम जिसको आप डिटर्मिनटिक एल्गोरिथम से सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम है वो क्या लग रहा है टाइम तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं पी सेम एग्जाम्पल इज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ऐसे प्रॉब्लम की जिसको आपको सॉल्व कर सकते हो नॉन डिटर्मिनस्टिक अलगोरिथम से और नॉन डिटर्मिनस्टिक अलगोरिथम को यूज करके आप उसको पॉलिनोम टाइम में उसको फाइंड आउट कर सकते हो तो उसको मिलते हैं एनपी

एक होता है एनपी कंप्लीट और दूसरा होता है एनपी हार्ड तो एनपी के दो पार्ट से या दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है एनपी कंप्लीट एंड एनपी हार्ड केस में अब सबसे पहले बिफोर गोइंग टू एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन पी एंड एनपी तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस मैंने ऐड किया सबसे पहले पी का क्या डिफरेंस है पी इज अ प्रॉब्लम दैट आर अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी सॉल्व Okay, इन पॉलिनोम दोनों का डेफिनेशन यानी सेम है खाली एक वर्ड अलग है इसमें हमने लिखा है लिखा है नॉन डिटर्मिनेस्टिकल नौ पी इन सेकेंड डिफरेंस दिस कैन बी सोल्व एंड वेरिफाइड इन पोलिनोम बट एनपी प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सोल्व और इन पॉलिनामियल टाइम उसको हम सोल्व नहीं कर सकते बट अगर आपको सोल्यूशन दे दिया है तो वो सोल्यूशन करेक्ट है क्या नहीं आप वेरीफाई कर सकते हो पॉलिनोम सेट ऑफ पी थर्डर इन नेचर एंड ऑल एनपी प्रॉब्लम इन नेचर और दोनों के हमने क्या क्या कर दिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो डाल दिए तो ऐसे फाइव डिफरेंसेस जो है यहाँ पे हमने दिखा है next, यहाँ पे मैंने बताया एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि पी प्रॉब्लम का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया है क्रुस्कल अलगोरिथम क्रुस्कल अलगोरिथम इज एग्जाम्पल ऑफ एम डब्ल्यू एस टी मीन्स मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री अब मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री यानी क्या होता है कि सपोज आपको एक एक वेटेड ग्राफ दिया है जी ऐसा ग्राफ जिसके हर एक एजेस पे कुछ तो वेट है कॉस्ट है, मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना है यानी कोई भी साइकिल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ट्री में जो एजेस उनका अगर हम कॉस्ट एडिशन करें तो वो सबसे मिनिमम होना चाहिए सो इन अदर वर्ड्स कन्वर्ट द इंक्लूड्स ऑल द नोट ओरिजिनल ग्राफ एंड मिनिमाइज द इन ए रिजल्टिंग ट्री तो ऐसा ग्राफ जिसको ट्री में ऐसे कन्वर्ट करो कि उसके जो एजेस है उसके वेट का समेशन ये सबसे मिनिमम होना चाहिए तो जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये अगर हम ग्राफ लेते हैं अब ये वाला ग्राफ जो है मैंने विकीपीडिया से लिया आप कोई भी ग्राफ अः ले सकते हो अभी आप देखोगे कि हर एजेस जो है इसको हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या दिया है कुछ कॉज दिया है अब ये ग्राफ क्यों है क्योंकि यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रहा है Okay. अब अगर इसको मुझे ऐसे ट्री में कन्वर्ट करना है जिसका मिनिमम जो एज है जो क्या होना चाहिए मिनिमम तो हमको पता है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सो ऑलवेज फर्स्ट पुट अप टेक एज हैविंग अ मिनिमम कॉस्ट ओके और ऐसे आप मिनिमम कॉस्ट वाले एजेस जो है वो ऐड करते चलो अगर साइकिल फॉर्म नहीं हुआ है तो ऐड करो साइकिल फॉर्म हो गया तो क्या करो उसको डिस्कार करो सो so यहाँ पे अलगोरिथम यह दिया है

कनेक्ट करने के बाद फिर भी वो ट्री ट्री में ही फॉर्म हो रहा है तो कनेक्ट करो लेकिन अगर साइकिल फॉर्म हो रही है तो क्या करो उसको डिस्कार्ड करो तो ऐसे आपको क्या करना है आ, ट्री से ग्राफ से ट्री बनाना है तो ये मिनिमम एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया जो मिनिमम वेट वाला जो एज है वो एड किया आफ्टर दैट ये वन जो है या ये थर्ड वन जो है जिसका मिनिमम कॉस्ट है वो एड करते चले गए ओके okay, उसके बाद हमने ये एड किया अब इसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर आ, ये वाला ऐड कर दिया अब इसके बाद अगर एट के लिए अगर मैं ये ऐड करूंगी तो यहाँ पे क्या होता था ये साइकिल फॉर्म हो जाता था इसके लिए हम लोगों ने इसको ऐड नहीं किया आफ्टर दैट अगेन के लिए ये एक एज है लेकिन अगर ये भी हम कनेक्ट करते तो एक साइकिल फॉर्म हो जाता था हमारा पूरा ये पूरे ग्राफ में इसलिए उसको ऐड नहीं किया नाइन के लिए ये एज अगर ये भी कनेक्ट करेंगे तो ए बी और डी का एक साइकिल फॉर्म होता था इसलिए हमने उसको भी नहीं लिया उसके बाद हमने ये वाला एज लिया सो लाइक वाइज यू कैन सॉल्व स्टेप बाय स्टेप जिसमें मिनिमम वेट वाला ग्राफ के वेट वाला एज लेके एड करते चलो सो दिस इज हाउ द क्रिस्कल एल्गोरिथम वर्क और क्रिस्कल एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए ओ ऑफ एन स्क्वे टाइम लगता है सो दिस इजाम्पल ऑफ बी प्रॉब्लम सेकेंड इज एग्जाम्पल ऑफ एन बी प्रॉब्लम

तो इसको एग्जैक्टली exactly हर सिटी को एक ही बार कवर करना है और जहां से स्टार्ट किया वापस सेम लोकेशन पे उसको रिटर्न आना तो इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप दैट मीन्स टू विजिट सिटी एग्जैक्टली वंस एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग सिटी और हमको क्या करना है कि ऐसे बहुत सारे रूट पॉसिबल है हमको क्या फाइंड आउट करना है इसमें से बेस्ट रूट जो है वो फाइंड आउट करना है

इफ यू कैनोट गेट अ सोल्यूशन बाई अपलाइंग एनी ऑफ द एलगोरिथम टी एस पी एनपी हार्ड प्रॉब्लम एनपी तो है ही अगर कोई एल्गोरिथम को अप्लाई करके सोल्यूशन मिल रहा है तो हम बोलेंगे सोल्यूशन नहीं मिला तो हम बोलते है एनपी हार्ड प्रॉब्लम अब एक्सैक्टली एनपी कम्प्लीट प्रॉब्लम क्या होता है एनपी कम्प्लीट इज अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एनपी कम्प्लीट इफ अगर वो दो कंडीशन को सैटिस्फाई करता है सबसे पहले इट शुड बिलोंग्स टू क्लास एनपी पहले तो एनपी को बिलोंग करना चाहिए एंड सेकंड एवरी अदर प्रॉब्लम अगर हम बोल रहे कि ये इसको हमको ये प्रॉब्लम को बताना है कि एनपी कम्प्लीट है तो कोई एक दूसरा प्रॉब्लम है बी अगर उस प्रॉब्लम को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते है ए के अंदर पोलिनोम टाइम में तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है एनपी कंप्लीट है सो दीज टू फैक्ट्स प्रूव दैट एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आर हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन द क्लास एनपी अ ऑफ एनी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कैन बी वेरीफाइड इन अ पोलिनॉमियल टाइम बट कैन नॉट बी ऑप्टेन इन टाइम आंसर अगर दिया है तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो पॉलिनॉमल टाइम में लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सो so, अब ये काफी बार रिलेशन पूछा जाता है पी एन पी एन पी हार्ड और एनपी कम्प्लीट में सो दिस इज अ डायग्राम दिसग्राम जिसमें एक सर्कल में हमने बता दिया कि ये सारे प्रॉब्लम एनपी है एनपी में से कुछ सबसेट सबसे जिसको हम क्या बोलते हैं ये टाइम में सॉल्व हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पी कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जो एनपी है लेकिन उसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है ओके okay, तो उसको हम बोलते हैं हार्डेस्ट प्रॉब्लम दैट इज एनपी हार्ड लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम जो एनपी हार्ड है लेकिन हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं पॉलिनामियल टाइम में तो ये जो कॉम्बिनेशन इन दोनों प्रॉब्लम का ओके okay, ये इंटरसेक्शन जो है इस इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है एनपी कंप्लीट तो इसका मीनिंग एनपी कंप्लीट यानी क्या द प्रॉब्लम विच इज एनपी हार्ड एज वेल एज एनपी वी कॉल इट एज एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम काफी बार एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट का भी डिफरेंस पूछा जाता है एनपी हार्ड प्रॉब्लम like say a can be solved if and only if there is a np complete problem b which can be reducible into a in polynomial time usko bolte hain np hard problem np complete means a problem that can be solved by a deterministic algorithm in a polynomial time to solve np hard problem it must be in a class np to solve a np complete problem it must be in a both एनपी एंड एनपी हार्ड प्रॉब्लम इट इज नॉट अ डिसीजन प्रॉब्लम एग्जाम्पल इज हॉल्टिंग प्रॉब्लम और एनपी कम्प्लीट का एग्जाम्पल है डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्राफ है और नॉट तो यहाँ पे हमने बोला है की साइकिल है क्या नहीं वो फाइंड आउट करना है मतलब आंसर क्या आएगा येस और नो में इसके लिए हमने इसको क्या बोला है डिसीजन प्रॉब्लम भी है पॉलिनोम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम सोल्व करने के पहले और एक टर्मिनोलॉजी जो बहुत लगती है उसमें दैट इज अ पॉलिनोम टाइम रिडक्शन पॉलिनोम रिडक्शन सपोज दो प्रॉब्लम दिए है एल वन और एल टू ऐसे दो प्रॉब्लम्स दिए है तो अब ये जो दो प्रॉब्लम है वी कैन से दैट प्रॉब्लम एलवन इज रिड्यूसेबल टू एल टू उसको ऐसे भी लिखा जाता है एलवन इज रिड्यूसेबल टू एल टू if we have a polynomial time algorithm for L2, then we can also solve L1 in polynomial time. ये yeah, L1 in reducible to L2 कब बोलेंगे? कि हमारे पास ऐसा कोई algorithm है जिससे हम L2 को solve कर रहे हैं, polynomial time में और same algorithm से हम L1 problem को भी solve कर रहे हैं, polynomial time में. तो हम बोल सकते हैं कि L1 is reducible to L2. इफ प्रॉब्लम पी इन एनपी कम्प्लीट एंड देर इज अ पॉलिमल टाइम रिडक्शन ऑफ पी वन टू पी टू देन पी टू इज ऑल्सो अम्प्लीट प्रॉब्लम रिडक्शन प्रॉब्लम जिसमें एक प्रॉब्लम को हम दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो प्रॉब्लम को बोलते हैं रिडक्शन तो ये रिडक्शन के लिए ये डायग्राम जो है काफी बार यूज होती है जिसमें एवरी प्रॉब्लम इन एनपी जो है ओके okay, उसमें से दिया है कि सर्किट सेट प्रॉब्लम जो है ये ऑलरेडी प्रूवन एट इट इज एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम ओके इसके ऊपर से अगर हमने ये प्रॉब्लम का रिडक्शन किसमें किया सीएनएफ सेट में तो सीएनएफ सेट भी क्या बन गया एनपी कंप्लीट सीएनएफ सेट से आप इस प्रॉब्लम का रिडक्शन या कन्वर्जन किसमें कर सकते हो थ्री सेट में इसका रिडक्शन किसमें हो सकता है वर्टेक्स कवर या नोड कवर में आफ्टर दैट नोड कवर को लेके लाइक क्लिक डिसीजन सेट कवर सम ऑफ सबसेट और हैमिल्टोनियन तो इसमें रिडक्शन बताया है कि कौन से प्रॉब्लम को यूज करके आप उस प्रॉब्लम का कन्वर्जन uh, कौन से दूसरे प्रॉब्लम में कर सकते हो जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम भी क्या है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है तो ये वाला डायग्राम काफी बार यूजफुल होता है नाउ अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है एल टू प्रॉब्लम जिसको हमको बताना है कि ये एनपी कंप्लीट है तो उसको प्रूव करने के क्या स्टेप्स है तो दो ही स्टेप्स है फर्स्ट टू शो दैट दैट प्रॉब्लम इज एनपी हार्ड जो भी प्रॉब्लम आपको प्रूव करना है सबसे पहले प्रूव करो कि ये क्या है एनपी हार्ड है और सेकेंड एन एनपी हार्ड डिसीजन प्रॉब्लम एल टू कैन बी शोन टू बी एनपी कम्प्लीट बाई एक्टिंग अ पोलिनोम टाइम नॉन डिटर्मिनेस्टिक एल्गोरिथम टू एल टू इसका मीनिंग क्या कि जो हमने डायग्राम देखी थी ये वाली ओके okay. तो यहाँ पे हमने बोला था कि ये क्या है एनपी और यहाँ पे इसको क्या बोला था ये क्या है एनपी हार्ड ओके और इसका जो इंटरसेक्शन पार्ट है ये वाला ओके दिस इज कॉल्ड एज एनपी कंप्लीट तो एनपी कंप्लीट यानी क्या एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम ऐसे है जो क्या होने चाहिए एनपी हार्ड भी होने चाहिए और एनपी भी होने चाहिए सो so, यही दो रूल है अब कोई भी प्रॉब्लम एनपी हार्ड है ये आप कैसे प्रूव करोगे ओके okay, हमको क्या करना है किसी को भी एनपी कंप्लीट प्रूव करने के पहले उसको ये प्रूव करना है कि वो एनपी है और एनपी हार्ड है तो एनपी हार्ड ऐसा प्रॉब्लम लो जो पहले से पता है वो क्या है एनपी हार्ड है अगर अब आप उस एल वन प्रॉब्लम को इसमें रिड्यूस कर सकते हो एल टू के अंदर जन ये प्रॉब्लम कर दिया कन्वर्जन so अगर possible है, तो कैन कंक्लूड दैट एलवन इज रिड्यूसेबल टू एल टू और अगर ये रिडक्शन पॉसिबल है और अगर एल वन या एन पी हार्ड है तो हम बोलेंगे एल टू पी क्या है एनपी हार्ड है That's it. तो सबसे पहले प्रॉब्लम uh, जो है हम प्रूव करेंगे कि ये एनपी हार्ड है बट पहले सेटिसफेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होता है जिसको सेट भी बोलते हैं तो exactly क्या होता है मतलब कि सबको, आपको कुछ बुलियन वेरिएबल्स दिए है एक्स वन एक्स टू एक्स एन ओके अब ये वेरिएबल्स यानी क्या होते कि जिसको आप आधर एक्स वन से भी डिनोट कर सकते हो या फिर एक्स वन बार से भी डिनोट कर सकते हो तो ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू या क्या हो गया उसकी निगेटिव सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल और तो बार जो होता इज अ प्रोपोर्शनल कैलकुले प्रपोजिशनल कैलकुलस कैलकुलस इट इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लिटरल्स एंड ऑपरेशन जिसमें लिटरल्स यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे हो गए और ऑपरेशन होते हैं अब एक्सैक्टली exactly कौन से ऑपरेशन होते हैं एंड और ये दो ऑपरेशन यूज होते हैं एंड एंड और तो ये सिंबल जो है ये एंड के लिए यूज सॉरी और के लिए यूज होता है एंड दिस सिंबल डिनोट्स अ एंड तो ये सिंबल जो है ये और डिनोट करता है ये सिंबल क्या डिनोट करता है एंड और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है जैसे एक्स वन और एक्स टू एंड एक्स टू और एक्स थ्री ओके तो इसको हम बोलते हैं क्लॉज और ये दो क्लॉज को हमने क्या किया है कनेक्ट किया एंड सिंबल से तो ये क्या बन गया पूरा एक हमारा फॉर्मूला बन गया सो so ये फॉर्मूले को हम सी एन एफ भी बोलते हैं सी एन एफ मीन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म यानी क्या कि क्लॉज में जो वेरिएबल्स है इसको ज्वाइन करने के लिए हम हमेशा और ही यूज करेंगे और ये दो क्लॉज जो है इन दो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए हम हमेशा एंड ही यूज करते हैं

है अगर जीरो आए तो हम बोलेंगे इट इज नॉट सेटिस्फाइबल इसके बाद सर्किट uh, सेट भी पूछा जाता है सर्किट सेट यानी क्या कि जैसे एग्जांपल आपने डेल में काफी बार ऐसे टाइप के सर्किट्स देखे होंगे डीएलडी में जिसमें हम एंड और नॉट ये सिंबल यूज करते हैं अब इस सर्किट में अगर आपने एक्स वन एक्स उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है एक्स आपने तो कुछ ऐसे वैल्यूज यहाँ पे दे दिए जैसे जीरो जीरो ऐसे कुछ वैल्यूज अगर आपने इसको दिए है ये वैल्यूज इस सर्किट को प्रोवाइड करने के बाद ये जो फाइनल आउटपुट जनरेट होने वाला एक्सटेंड ये आउटपुट क्या जनरेट होगा अगर ये आउटपुट वन जनरेट होगा ओके मीन्स येस जनरेट होगा तो हम बोलते ये सर्किट क्या है सेटिसफेबल है आउटपुट वन आ रहा है लेकिन अगर आउटपुट जीरो आ गया तो हम बोलेंगे दिस सर्किट इज नॉट

सर्किट सेट इज इन एनपी तो अगर यूजिंग नॉन डिटर्म एलगोरिथम हमको अगर आंसर yes, मिलता है टाइम में उस सर्किट के लिए तो हम बोलेंगे सर्किट सेट क्या है ये एनपी प्रॉब्लम है नाउ सर्किट सेट के सेट के बाद आता है सी एन एफ सैटिस्फाबिलिटी प्रॉब्लम या फिर रिस्ट्रिक्टेड सेफिलिटी प्रॉब्लम या फिर थ्री सेट प्रॉब्लम भी जिसको बोलते हैं थ्री सेट प्रॉब्लम यानी क्या होता है कि थ्री सेट प्रॉब्लम ऑफ अफ फॉर्मूला हर एक जो क्लॉज है वहां पे मिनिमम कितने लिटरल्स होने चाहिए तीन जैसे आप देखोगे x1 x2 x3 थ्री तीन है यहाँ पे भी कितने है? तीन तो सी एन एफ फॉर्मूला जिसमें हर क्लॉज में कितने लिटरल्स चाहिए एटमोस्ट थ्री

node cover we expect to choose the set of vertices which covers all edges in a graph तो हमको क्या करना है ये ग्राफ दिया है इस ग्राफ में ऐसे वर्टेक्स फाइंड आउट करना है कि अगर उस वर्टेक्स को हम निकाल दे तो वो निकालने के बाद सारे एजेस रिमूव हो जाएंगे लेकिन मिनिमम मिनिमम वर्टेक्स का नंबर तो जैसे एग्जांपल अगर ये वाला जो पहले वाला जो एग्जांपल है इसमें अगर हम दो को रिमूव करते हैं टू को अगर रिमूव किया तो टू से कनेक्टेड कौन सी एजेस है वन टू एंड थ्री ओके ये तीनों जो एजेस है वो रिमूव हो जाती है और अगर हमने फोर वर्टेक्स को निकाल दिया तो इससे कनेक्टेड ये तीनों एजेस है जो निकल जाती है मतलब टोटल छ के छ एजेस क्या हो गई यहाँ पे रिमूव हो गई अगर हम सिर्फ टू और फोर को निकालते हैं तो इस ग्राफ का नोड कवर क्या है टू एंड फोर मतलब सारे एजेस किसको कनेक्टेड है टू एंड फोर को दिस इज कॉल्ड एज अ नोड कवर प्रॉब्लम वो एनपी हार्ड है और दूसरा प्रूफ करना है वो एनपी है अब ये प्रॉब्लम को एनपी हार्ड प्रूफ करेंगे उसके लिए हमको ऐसा प्रॉब्लम लेना है पहले जो ऑलरेडी क्या है नोन है एनपी हार्ड है और अगर उस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं नोड कवर में तो नोड कवर भी क्या बन जाएगा एनपी हार्ड बन जाएगा और अगर हमने प्रूव किया के लिए हम क्या कर रहे हैं एक प्रॉब्लम ले रहे हैं सीडीपी दैट इज क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम जो ऑलरेडी नोन है वर्ल्ड वाइड की ये क्या है एनपी हार्ड है क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे नोड कवर प्रॉब्लम में नाउ हाउ टू डू दैट तो अभी सबसे पहले कि क्लिक यानी क्या होता है तो जैसे एग्जाम्पल अगर ये ग्राफ दिया है क्लिक यानी क्या ऐसे कितने नोड़ है जो एक दूसरे से फुल्ली कनेक्टेड है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वन टू एंड थ्री ये क्या है ये तीनों एक दूसरे से फुल्ली कवर है तो इसका क्लिक की साइज कितनी आ गई है यहाँ पे थ्री आ गई ओके अगर सेम हम क्या करते थे यहाँ पे अगर यहाँ पे ये एक दूजे से कनेक्टेड हो जाता था एग्जाम्पल ये भी यहाँ से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता था और ये भी कनेक्टेड होता था तो हम क्या बोलते थे इसका क्लिक कितने साइज का है फोर साइज का क्योंकि चार नोड क्या है एक दूसरे से फुल्ली कनेक्टेड तो क्लिक मीन्स हाउ मेनी नोड्स आर फुल्ली कनेक्टेड विथ ईच अदर तो वो जो जितने नोड है जो फुल्ली कनेक्टेड है उस साइज को बोलते हैं क्लिक प्रॉब्लम अब ये प्रॉब्लम को हमको बताना है कि इस प्रॉब्लम से हम किसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं नोड कवर का भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है ये जो ग्राफ दिया है इस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बनाना है कॉम्प्लीमेंट ग्राफ यानी क्या कि अगर और टू के बीच में एज है तो उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर इन दोनों के बीच में एज नहीं रहेगी अगर वन और फोर के बीच में यहाँ पे एज नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर इस दोनों के बीच में एज हो जाएगी मतलब इसका पूरा उल्टा करो ओके तो जैसे अभी हमने क्या किया यहाँ पे पूरे वो जो वर्टेक्स है वो ड्रॉ कर लिए वर्टेक्स को ड्रॉ करने का हमने देखा कि वन जो है ये किससे कनेक्टेड है टू से है थ्री से है लेकिन ये फोर और फाइव से कनेक्टेड नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में हमने इसको दोनों से कनेक्ट कर दिया आफ्टर दैट टू जो है टू इज कनेक्टेड विथ वन थ्री एंड फाइव तीनों से कनेक्टेड है बट किससे कनेक्टेड नहीं है ग्राफ में फोर से तो इसके कॉम्प्लीमेंट में हमने टू को फोर से कनेक्ट कर दिया ऐसे हमने क्या किया थ्री थ्री जो है किससे कनेक्टेड नहीं है सिर्फ फाइव से कनेक्टेड नहीं है वो तो फाइव के साथ एज बना दिया ऐसे हम वर्टेक्स फोर और फाइव तक तो करते चले गए अब इस ग्राफ का हमको क्या मिल गया है इसका कॉम्प्लीमेंट मिल गया जिसको हम बोलते हैं जी डैश अब इस ग्राफ के अंदर जो क्लिक था मैंने क्या बोला था क्लिक कितने साइज का है थ्री साइज का जिसमें कौन से नोड आ रहे हैं वन टू एंड थ्री

तो ये दोनों एजेस चली गई मतलब इस ग्राफ का नोड कवर क्या है फोर एंड फाइव अब इन दोनों में कनेक्शन क्या है इस ग्राफ से ये ग्राफ बनने के बाद इन दोनों में कनेक्शन क्या बना है टोटल वर्टेक्स कितने हैं दोनों भी ग्राफ में इसमें क्लिक का साइज कितना आया है थ्री तो अगर मैं फाइव में से थ्री माइनस करती हूँ तो आंसर कितना बच गया टू तो इसका मीनिंग क्या कि इस ग्राफ में जो नोड कवर है उसका साइज कितना आएगा टू आएगा सो दिस इज अ रिलेशन सेकेंड रिलेशन ये जो ग्राफ है इसके अंदर क्लिक के कौन से वर्टेक्स है वन टू एंड थ्री अब कौन से वर्टेक्स बचे फोर एंड फाइव तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ बनेगा इसमें नोड कवर क्या आएगा फोर एंड फाइव आएगा सो दिस इज हाउ दिस टू ग्राफ्स आर आर सॉल्यूशंस कनेक्टेड टू टूच अदर सो यू कैन से दैट क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम इज रिड्यूसेबल टू नोड कवर प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम से हमको दूसरे प्रॉब्लम का क्या मिल गया सॉल्यूशन मिल गया और पहला प्रॉब्लम जो है क्लिक डिसीजन ये एनपी हार्ड है इसके लिए ये प्रॉब्लम भी क्या बन गया एनपी हार्ड बन गया अगेन ये प्रॉब्लम एनपी भी है क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए जो है ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए जो है हमको नॉन डिटनिस्टिक मशीन लगेगा तो ही हम पॉलि टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं सो इट इज ऑल्सो एनपी एज इट इज एनपी एंड एनपी हार्ड वी कैन से नोड कवर इज अ एनपी कंप्लीट problem thank you so much for watching